तोशाखाना की फहरिस्त हमारे सामने आ चुकी है। हमने ये देखा है कि इस फहरिस्त में नवाज शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली ने किस तरह से तोशाखाना को लूटा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डे लाइट रॉबरी। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो धोखाधड़ी में ये खानदान मुलव्वस है, उसका एक और सबूत अब हमारे सामने आ चुका है। पिछले 15 महीनों से इन्होंने इमरान खान के ऊपर, बुशरा बेगम के ऊपर जिस तरीके से इल्जामात की बौछार रखी, तोशाखाना को लेके अरबों रुपए के इश्तेहारात दिए गए, मालूम हुआ कि ये सब तो खुद उस हमाम में सबसे ज्यादा नहा रहे थे। और अगर इनमें किसी ने कानूनी तरीका अख्तियार किया तोशाखाना लेने का, तो वो सिर्फ इमरान खान ने लिया, और सबसे कम गिफ्ट जो है वो इमरान खान के पास और बुशरा बेगम जो है उनके पास आए। और असल तमाम जो बड़े जो जिस तरीके से इसको मिसयूज किया गया, वो था जो कि जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां निकलवा ली। मर्सिडीज बेंज गाड़ी 6 लाख रुपए में निकलवाई गई, इसी तरह से बीएमडब्ल्यू गाड़ी टकों के एविज जो है वो निकलवाई गई। अब आप देखिए कि ये जो तोशाखाना का जो कानून है उसको किस तरह से ब्लेटेंटली उसको उसको उसकी खिलाफवर्जी की गई, और ये तमाम लोग मरियम नवाज और कंपनी ने किस तरह से ये तोहफे जो हैं वो वसूल किए, पाइनएप्पल का डब्बा तक नहीं छोड़ा गया। और मैं ये समझता हूं कि ये जो लिस्ट हमारे सामने आई है एक तो नामुकम्मल है, ये सिर्फ 1988 ये सिर्फ 2002 से शुरू हो रही है, 1988 से गिफ्ट कम अज कम हमारे सामने लिस्ट आनी चाहिए, और उसके साथ साथ जर्नल्स के और जजेस के जो तोहफे हैं वो भी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो मुकद्दस गाय का तस्वर है वो खत्म होना चाहिए, और सियासतदानों के साथ जजेस और जर्नल्स के तोहफे भी अवाम के सामने लाए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने, लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपके हुक्म के ऊपर ये हुआ है, आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने पाकिस्तान के अवाम को शफाफियत की एक नई जो मंजिल है उसकी तरफ आप लेके गए हैं। आप मेहरबानी कीजिए एक कमीशन क्रिएट बनाइए, अदालती कमीशन हो, जो जायजा ले कि इन तोहफों की कीमत जो है वो कानून के मुताबिक अदा की गई या नहीं, ये डिक्लेयर किए गए कि नहीं। ख्वाजा आसिफ ने करोड़ों रुपए की घड़ियां ली हैं, क्या उन्होंने अपने रिकॉर्ड में, टैक्स रिकॉर्ड में वो घड़ियां जाहिर की, क्या एफबीआर के पास इन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि नून लीग को ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए इमरान खान से, बुशरा बेगम साहिबा से, और उस प्रोपेगंडे का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने 11 महीनों से, बल्कि 15 महीनों से इमरान खान और उनकी बेगम के खिलाफ चला रखा था, वो भी एक्सपोज हो गया है। नून लीग हमसे माफी मांगे और एक इंडिपेंडेंट कमीशन तोशाखाना के मामलात की तहकीकात करें।